जाओ कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है? तुम भागा के पीछे भागेंगे तो मारेंगे इनको आप। हाँ मारेंगे, चोर है, तुम अपराधी हो, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चेक करिए, तुम अपराधी हो, पूरा चेक करिए, क्यों भागे? तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, पुलिस का धमका रहे हो, आप मारे, तुम धमका रहे हो, मारने का अधिकार है, लाठी मारेगा तुमको, तुम भागा क्यों? तुमको जब चेक कर रहा है, तुम हथियार हाथ छोड़ा के भागा मेरे आदमी का। अच्छा, वायरलेस के सारा चीज है, हाथ छुड़ा के भागे हैं, तुम भागे हो ना सर, कैमरा में हाथ छुड़ा के भागे, कोई कैमरे नहीं दिखा जाते, इसको लगाओ इसको, यह तुम हमको धमकी दे रहा है, कैमरा चला रहा है, चीज मत करिए सर, कर ये चीज मत करिए, ये चीज बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाथ कैसे छीन सकते हैं आप? अरे आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं? आप चलिए, आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं सर? नहीं 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 नहीं, अब तो सर, अब मेरी गलती है, आप लोग पटना के पब्लिक को ने सर बहुत परेशान कर दिए सर, कोई नहीं किया, तुम परेशान कर दिए सर, मीडिया वाला हो के तुम भागोगे, मीडिया वाला कौन बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो, अरे मीडिया नहीं है सर, नहीं 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 नहीं, आप लोग पटना के पब्लिक को परेशान कर दिए सर, आप इतना समझ लीजिए, आपका नाम क्या है? लो फेकिंग टॉर्चर से मेरा नाम क्या? सब इंस्पेक्टर, हाँ क्या मैं परेशान हूँ तुम लोग से भाग भाग? अरे नहीं सर, एक्चुअली मैं पब्लिक परेशान है, आप लोगों को चिंता नहीं है कि पब्लिक रोड सेफ्टी पे काम करे, आप लोगों को चिंता है कि सरकार के पास चलान कैसे जाए, हाँ है ना, चलान कैसे जाए, कैसे जाए, चाबी कैसे छीन सकते हैं आप? चाबी आप नहीं छीन सकते हैं, नहीं मेरे को मारा क्यों गया यहाँ पे? वही नहीं मारा, मेरे को हाथ लगाया आपने, हाथ लगा गए, तुम क्यों भागा? नहीं नहीं नहीं, भागा क्यों आप? मेरा गाड़ी यहाँ लगा हुआ, हम भागे भागे, तुम भागे हमको, तुम डराओगे? नहीं 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 सर, पुलिस को डरा रहे हो, ये चीज नहीं हो सकता, आप अरे गाली दे रहे हैं, मम्मी का गाली दे रहे हैं हमको, सुनिए एक मिनट, आप गाली कैसे दे सकते हैं? इतना इतना हो गया कि आप मेरी माँ को गाली देंगे? अरे चाबी तो देंगे सर, सब बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, वो बोल रही है, यही है पटना पुलिस, नहीं कुछ मिलता है तो गाली देता है, यही है पटना पुलिस, ज्यादा कुछ बोलने पे मारपीट होता है रोड पे, देखिए यही है, बहुत गलत किए आप मेरे साथ, मारा है मेरे दोस्त को भी मारा है, देखिए मारपीट कैसे नहीं, आपको वीडियो दिखाए क्या? आपको वीडियो दिखा दे सर, नहीं दिखाना है, देखिए कितना कितना घटिया इंसान है ये लोग, ये पटना हाई कोर्ट एंड माय बाइक स्कूल, समझ में नहीं आता है इन लोगों का क्या है, मारने का राइट है नहीं, मारने का राइट, हाँ मारा है, मारे है तो मारे का है आपको, जो मारा मारने का वीडियो है, जो वीडियो बना रहे हैं उसी वीडियो पे दिखाइए, पकड़िए तो भैया, कोई नहीं मारता है, मारा वाला कोई नहीं है, अच्छा मारा नहीं है ना सर, मारा होगा तो सर, मारा होगा तो अब हम देखने नहीं गए, अच्छा अब आप देखने नहीं गए, आप देखने, मैं पूछ रहा हूँ आपको, मैं दिखाऊं कि अभी वीडियो में मारा है, आप क्या 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 एक्शन लेंगे, आप क्या एक्शन लेंगे? स्क्रैच नहीं लगना, स्क्रैच नहीं लगेगा, आप टेंशन कहे आराम से करूँगा।
आराम से तो देख रहे हैं ना सर, ये बिहार पुलिस हमारे कौन है सर, इधर आइए थोड़ा मुंह दिखाइए अपना, चेहरा कितना अच्छा है आपका, क्या नाम है सर आपका? खूबसूरत आदमी पैमान, पैमान औलाद पैदा किए यहाँ पे, हर पब्लिक साथ देगा हमको, हम पब्लिक रिव्यू, क्या भैया मारा है कि नहीं बोलिए, मारा है ना, ठीक है मारा है ना, ये बिहार पुलिस का क्रेन है, क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत बोल दिया आपने, आप एक पुलिस वाले को धमका रहे हैं, अरे धमका क्या रहे देखे? लगे आप किसकी बाइक को हवा में डाले हैं आपको नहीं पता, एकदम किसको ले जा रहे हो दिखाइए, सुनाएंगे बताइए भैया गलत है कि नहीं, बहुत गलत किए आप मेरे साथ, मारा है मेरे दोस्त को भी मारा है, मारपीट मत कीजिए, गाड़ी ला दीजिए, देखिए कोई नहीं करता, मारपीट कैसे नहीं, आपको वीडियो दिखाया क्या, मारपीट कोई करता है, आपको वीडियो दिखा दें सर, नहीं दिखाना है, देखिए गाड़ी ला दीजिए, चुप आदमी है, ये पटना हाई कोर्ट एंड माय बाइक स्कूल, अब समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या है, अरे प्लास्टिक पक। नमस्कार, मेरा नाम शांतन चौधरी है और मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे पटना पुलिस, पटना ट्रैफिक पुलिस ने 36 घंटे पहले पटना हाई कोर्ट के पास बेरहमी से पीटा है और माँ बहन की गालियाँ दी हैं, ऑफ कैमरा बहुत पीटा है, पेट पे बूट से लाते मारी हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने लगभग बताया, जब मैं मार खाया और जब मुझे आतंकवादी टाइप से जिप्सी में पैक करके मारते हुए ले गए कोतवाली थाना पटना, तो मैंने सोचा कि यार मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ कि ये वीडियो अनकट हो सकता है, अगर बैटरी डाउन ना हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे कैमरा का बैटरी डाउन है, मैं एक यूट्यूबर हूँ इसीलिए मैंने कैमरा शब्द का इस्तेमाल किया, आप लोग बोलेंगे कि ये पूरा तैयारी करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने हजारों बार सोचा होगा, यहाँ पे आके वीडियो बनाने का पर्पस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शांत जगह है, मैं खुल के बात कर पाऊँगा, अपनी सच्चाई आप लोगों के सामने आज मैं रख रहा हूँ, पीछे गंगा मैया है और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर पाप भी चढ़ जाएगा। दोस्तों 9 अक्टूबर को लगभग दिन के 1:30 बजे मैं अपने मित्र के साथ हाई कोर्ट चौराहा से म्यूज़ियम, जो बिहार म्यूज़ियम नया वाला है, वहाँ की ओर, बेली रोड की ओर बढ़ रहा था। अगर मैं हेजिटेट भी हो रहा हूँ तो थोड़ा सा प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ समझाने में मतलब बहुत थोड़ा सा अंदर से बोलते हैं ना कि, लेकिन कोशिश करूँगा ये वीडियो अनकट ना हो। तो दोस्तों पिछले 36 घंटे से मेरी जो इज्जत गई है उसके बारे में मैं बता नहीं सकता, मेरे मम्मी पापा, मेरे वीडियो पे कमेंट, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस, मुझे कॉल, ये क्या हुआ शांतन, क्यों ऐसा मार क्यों खा गए, तुम भागने लगे क्या, हम बोले कि क्यों भागेंगे, हम चोर थोड़ी ना है यार, मतलब हम तो एक नॉर्मल सिविलियन हैं, हम भी एक नॉर्मल व्यक्ति के तरह रोड पर जा रहे थे और पुलिस, आज के डेट में मैं आप लोगों को बताता हूँ, पटना पुलिस अच्छा लेवल का काम किया है, बहुत बड़े बड़े केसेस सुलझाए हैं, लेकिन पटना ट्रैफिक पुलिस स्पेशली अगर बात करें तो बिल्कुल भी सिविलियन फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल भी मतलब पब्लिक फ्रेंडली एकदम से नहीं है, ये सब जानते हैं, मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ, एक एनआरआई मतलब जो इंडियन लोग बाहर अभी चले गए हैं, बस गए हैं, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया है, उनके बारे मतलब उनका कमेंट आया हुआ था कि मैं जब दिल्ली से बाई कार बिहार इंटर कर रहा था तो मेरा एक एसआई पीछा करके मेरे गाड़ी का पेपर मांगा और पेपर मेरे सामने इंश्योरेंस पेपर फाड़ दिया और बोला कि तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है, मुझे थाने लेके गए। कमेंट मैं आप लोगों को अटैच कर देता हूँ, मतलब इतना मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, पूरे भारत का 1,00,000 किलोमीटर मैं राइड कर चुका हूँ, मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ और मैं देखिए इस वीडियो के थ्रू मैं अपने चैनल या इस चीज़ के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, कभी भी नहीं बताऊँगा कि मेरे चैनल का नाम क्या है और मेरा वीडियो आके आप देखिए, एकदम नहीं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं, लोग मुझे जानते हैं, एक रिनोन चेहरा को इस तरीके से पटना में बीच बाज़ार मारा गया है, मेरे पापा मम्मी से लोग पूछ रहे हैं कि आपका बेटा मार खाया है, क्या हुआ, क्या गलती करके,
क्या शराब लेके जा रहा था, बंदूक लेके जा रहा था, जबकि आप लोगों ने देखा है कि मैं भाग नहीं रहा था। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पटना ट्रैफिक पुलिस का एक ऐसा सच्चाई आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, उन्होंने मेरी रोजगार छीन ली है, कि तहलका मच जाएगा पटना में इस वीडियो से। और ये वीडियो सच है, ये वीडियो झूठ नहीं है, कहीं से भी कैमरा चेक करवाया जाए, जितना मैं ये रिकॉर्ड लाइन में लिया जाए, जितना मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो सारा का सारा सच बोल रहा हूँ। और मैं भी एक छोटा सा मतलब पढ़ाई करने वाला लड़का, मैंने बिहार के टूरिज़्म को 4 साल से प्रमोट किया है, बिहार में कई सारे DTOs में मुझे जानते हैं, बाई नेम बाई फेस जानते हैं, मैंने सड़क सुरक्षा हफ्ता में लोगों को हेलमेट बांटे हैं, पर्चियां बांटी हैं, रोक के लोगों को समझाया है कि आप हेलमेट पहनिए। मेरे चैनल पर जाके आप देखिए, एक एक वीडियो में मैंने रोड सेफ्टी के बारे में बात किया, 450 से ऊपर चैनल पर वीडियो है। 4 साल से मैं अच्छा हेलमेट पहन के घूम रहा हूँ, ताकि जो युवा बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी बाइक चलाना शुरू किए हैं, वो देखें कि अरे भैया के पास इतना अच्छा हेलमेट है, मैं भी हेलमेट लगाता हूँ, अच्छा वाला हेलमेट ऑर्डर करता हूँ, अच्छा वाला हेलमेट कहाँ मिलेगा। लोग हेलमेट का कलर देख के, लोग हेलमेट की सुंदरता देख के लोग हेलमेट पहनना शुरू किए। बहुत चीज़ें मैंने की बिहार के युवाओं के लिए, और बिहार में आके मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया का 1,00,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ अपने मोटरसाइकिल पे, कहीं ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं हुआ। बिहार में आके मेरे साथ ऐसा हुआ, गुंडागर्दी टाइप मुझे मारा गया, ऑफ कैमरा तो सच में बता रहा हूँ दोस्त, इतना मारा है ना पेट में, सुबह से भूखा था, मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, पेट में लगभग 20 बूट मारा है। और मैं चेहरा दिखाऊंगा उस व्यक्ति का, वो भी एक इंसान ही होगा, उसको बस ईगो सेटिस्फाई करना था अपना, उसने ईगो सेटिस्फाई किया है। पटना पुलिस, अब मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूं क्या हुआ उस दिन, कैसे ये लोग मेरे ऊपर मतलब टूट पड़े, और इनका कैसे ईगो सेटिस्फाई हुआ, इन लोगों ने अपना ईगो कैसे सेटिस्फाई किया। मैं अपने मित्र के साथ पटना हाईकोर्ट से मतलब बेली रोड के तरफ जा रहा था, और म्यूज़ियम, बिहार म्यूज़ियम जो नया वाला बना है, वहाँ पे पुलिस बैरिकेटिंग लगा के चेक कर रही थी, तो मैंने देखा कि आगे बैरिकेटिंग है। मेरी गलती है कि मेरे पिलियन राइडर मतलब मेरे जो पीछे बैठे हुए राइडर हैं उनके पास हेलमेट नहीं है। मैंने घर पर भी बोला है कि आशीष, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था बट गलती से निकल गया, क्योंकि ये अनकट वीडियो है तो अब मैं इसे एडिट भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला दोस्त हेलमेट ख़रीद लेना चाहिए, चालान हो जाएगा, चालान तो छोड़ो, कहीं कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हेलमेट कितने का आता है, 500-1,000 रुपये का आता है, 1,000 रुपये का चालान हो जाता है, 1,000 रुपये में हमें सरकार कुछ नहीं देती है, चालान करके अपने जेब में रख लेती है, पुलिस हमें कुछ नहीं देती है। ऐसा किया जाता कि भाई 1,500 रुपये लेके 500 रुपये आप रखिए, 1,000 रुपये चालान जो लिया है उसका हेलमेट दे दीजिए आप, इतना ही अगर आप रोड सेफ्टी के लिए कंसर्न है कि लोग हेलमेट पहने, तो आप चालान के साथ हेलमेट बांटना शुरू करिए, चालान को 5,000 बढ़ा के कर दीजिए, उससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करते हैं, अच्छा चलिए मैं ब्लेम नहीं करूँगा, मेरे साथ क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिहार म्यूज़ियम के पास मैंने देखा कि पुलिस बैरिकेडिंग लगा के चेक कर रही है, 50 मीटर पहले अगर रिकॉर्डिंग निकाला जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं SSP ट्रैफिक पटना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आप एक बार बस पूछ लीजिए कि मतलब आप मेरा पूरा सब चीज़ मेरा हिस्ट्री निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर मैंने रोड सेफ्टी बिहार के लिए, स्पेशली बिहार के लिए, बिहार टूरिज़्म के लिए क्या क्या नहीं किया है, मतलब मेरा इससे रोज़गार है सर, मैं रोड पे चलता हूँ, मैं हेलमेट में कैमरा लगा के लोगों को बताता हूँ कि भाई रोड सेफ्टी कितना ज़रूरी है, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, हर चीज़ बताता हूँ, उससे मेरा रोज़गार है। और सरेआम सर मुझे इतना पीटा गया है, मेरी गलती है तो मुझे चलान की जाए, मुझे जेल भेजा जाए। उसके बाद क्या हुआ, पटना म्यूज़ियम के पास मैंने देखा कि भीड़ लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस चेक कर रहे हैं। मैंने 50 मीटर पहले गाड़ी रोकी, गाड़ी पे से पीछे अपने मित्र को बोला कि भाई देखो आसपास हेलमेट का कहीं दुकान है तो हेलमेट हम लोग वहाँ से ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे, हेलमेट के आगे बिना आगे बढ़े तो चालान हो जाएगा। तब तक मुझे 2 पुलिस वालों ने नोटिस कर लिया कि ये बिना हेलमेट का है, ठीक है। मैंने आसपास देखा, आशीष को बोला, नाम निकल जा रहा है बार बार, सॉरी आशीष यार, मैंने अपने दोस्त को बोला कि आसपास देखो हेलमेट की दुकान है, देखा चारों तरफ हम लोग देखे, एक तरफ तो म्यूज़ियम ही है, एक तरफ रोड है, उस पार हेलमेट का दुकान नहीं नज़र आया। मैंने बोला हाईकोर्ट मोड़ के पास हेलमेट का दुकान होगा, मैं गाड़ी उसी लेन से वापस लेके हाईकोर्ट मोड़ पे गया, हाईकोर्ट मोड़ के पास गाड़ी में चाबी लगा दी, मैं दुकान में घुसा हूँ हेलमेट के, और तब पुलिस आई है। हाईकोर्ट मोड़ से वायरलेस पे खबर हुआ है कि जो बंदा भागा है, ऐसा साबित कर दिया गया, मतलब ऐसा आरोप लगाया गया कि मैं भागा हूँ।
आप साबित कर दीजिए, अगर मैं भागा होऊंगा तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सर मेरी इज्जत ले ली है, मैं एक रिनोन यूट्यूबर था बिहार का, यूथ मतलब मुझे पसंद करते हैं, और मुझे बताने में शर्म हो रही है कि मेरे पिताजी माताजी को शर्म आ रहा है कि मेरा बेटा ऑन कैमरा इतने सारे लोगों के सामने सरी भीड़ मतलब बीच बाजार में मारा पीटा गया, उनको गाली दे गए। सर मेरे मम्मी पापा का क्या गलती था? उसके बाद क्या हुआ है कि उसके बाद मैं हाईकोर्ट मोड़ के पास गाड़ी लगाया हूँ, गाड़ी में चाबी ऑफ किया हूँ, हेलमेट के दुकान पे गया हूँ, नारियल का भी दुकान है, एक लिट्टी की भी कॉर्नर है वहाँ पे, अंदर में लिट्टी बनाते हैं लोग, और वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, तब पुलिस आई है, ना कि मुझे भागते हुए पकड़ा गया। अगर भागते हुए पकड़ा गया है तो प्लीज़ कैमरा का फुटेज निकलवा लीजिए, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। मैं लोगों के सामने आज बोल रहा हूँ कि अगर मैं भागते हुए पकड़ा गया होता तो सर मैं भाग जाता ना, अगर मैं भागा होता तो मैं भाग जाता, मैं क्यों रुकता हाईकोर्ट के पास, क्यों रुकता? मेरे रुकने के बाद, मेरे चाबी बंद करने और मेरे दुकान जाने के बाद पुलिस आई है मेरे पास कि तुम ही भाग रहे थे। मैंने बोला सर मैं भाग नहीं रहा था, मेरी गलती है। बोले चलान हुआ, सीधा उन्होंने बोला चलान हुआ। तो हम और मेरे फ्रेंड दोनों डिस्कस करने लगे कि भाई पैसे तो नहीं है कैश में, फ़ोनपे है, फ़ोनपे दे देते इनको। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर फ़ोनपे है मेरे पास, कैश में नहीं है, एटीएम यहाँ से आसपास कहीं नहीं है, मतलब टिल द सगुना मोड़ तो नहीं, इधर जहाँ पटेल भवन है वहाँ तक एटीएम नहीं है, मुझे बोरिंग रोड जाना पड़ता पैदल, क्योंकि गाड़ी तो मेरी मतलब उन लोगों ने जब्त कर लिया। उसके बाद मैंने बोला कि सर मेरे पास मतलब मैंने बोला कि फ़ोनपे है, फ़ोनपे उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कैश करके अरेंज करके आपको देता हूँ, एटीएम से जाके निकालना होगा। तब तक मैं दो पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस किए थे, जिन्होंने नोटिस किया था, वो तुरंत स्कूटी से बिना हेलमेट आए हैं, ये इसका मेरे पास फुटेज है, बिना हेलमेट पुलिस वाले आए हैं मुझे पकड़ने के लिए हेलमेट के चार्ज में। ठीक है, वापस आया और मेरे दोस्त आशीष को एक थप्पड़ चला दिया उसने, और मैं तब तक सोचता, तब तक एक थप्पड़ चल चुका था, और मैं बोला कि सर इतना तो मत करिए, सर जलील इतना मत करिए, चलान अभी बात हो गया, चलान देने के लिए रेडी हूँ मैं, आप आए सीधा थककर तो भागा क्यों? सर मैं क्या बताऊँ आपको, इतना जलील आज तक नहीं हुआ, सरेआम जलील कर दिया सर मेरा, अब वीडियो कौन देखेगा आप बताइए। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है कि तू भाग रहा था शांतन। मैं भाग नहीं रहा था सर, इसको प्रूफ कर दीजिए सर। उसके बाद माँ बहन की गालियाँ दी गई, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि मैं उनको नोटिस हो गया कि मैं वहाँ हूँ बिना हेलमेट के, और मैं वापस लौट के यहाँ आ गया, उनका चालान आज मैं अगर निकल जाता, मैं बाय द वे वहाँ से निकल जाता कैसे भी करके, तो उनका चालान ख़त्म हो जाता। उस 1000 रुपये के चक्कर में सर मेरा लगभग 1 करोड़ लोग वीडियो देख चुका है पूरे बिहार के अंदर, मेरा करियर ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, मेरी माँ बहन को गालियाँ दी हैं, मुझे सरेआम घसीट के मार के, उसके बाद जिप्सी आई, मैं जब बोला कि नहीं, मेरा किरान से मेरा पूरा बाइक उठा के सबके सामने ले गए हैं, सर आप चलान कर सकते थे, आपको मारने का राइट नहीं है सर, सर आप पुलिस को मतलब पटना के पब्लिक को, पुलिस ट्रैफिक पुलिस स्पेशली क्यों ऐसे बिहेव करती है सर? मैं पूरे स्टेट घूम चुका हूँ, मतलब लगभग इंडिया के सारे स्टेट घूम चुका हूँ, उत्तराखंड पुलिस मतलब इतना फ्रेंडली, मतलब मैं दूसरे स्टेट से कंपैरिजन नहीं करूँगा, मैं बिहार स्टेट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन कुछ चंद लोगों के वजह से बिहार स्टेट पूरे इंडिया में बदनाम हो रहा है। मेरे ऑल ओवर इंडिया में सब्सक्राइबर, आउट ऑफ इंडिया, ब्राज़ील, दुबई, हर जगह से मेरे लोग वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट करके बोलते हैं। आज सोचिए सर, आपकी वजह से बिहार का पूरा इमेज बिहार पुलिस का ख़राब हो गया, बिहार पुलिस ने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं सर, लेकिन ये क्या कर दिया सर आपने? सर आपको मैं मोबाइल दिखाता हूँ आपको, मैं कितना मैसेज आ रहा है मेरे ऊपर। सर अगर मैं इतना ही, मैंने बोला कि सर अगर मैं भाग रहा था, ठीक है मैं गुंडा हूँ, तो मेरी चेकिंग करिए, मेरे को चेक किया जाए, मेरा अगर कुछ निकलता है तो मुझे, हाँ बहुत लोग होते हैं जिनके पास शराब होता है, जिनके पास बंदूकें होती है, अगर मैं भाग रहा होता, मेरे पास कुछ गलत चीज़ होती तो मैं भाग जाता ना सर, मैं क्यों रुकता हाईकोर्ट के पास? आप फुटेज चेक करवाइए, मैं नहीं रुक, मतलब पुलिस पहले नहीं आई है, पहले मैं रुका हूँ, उसके 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स बाद पुलिस पहुंची है और मुझे नोटिस किया कि अच्छा इन्हीं का गाड़ी है, सूट बूट से देख रहा है लगने से, अच्छा इसको बुलाओ। ऐसे सर नहीं किया जाता है सर, सर मेरा करियर चौपट कर दिया, और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ये तो बात में जाँच की विषय है। उसके बाद मुझे
मेरा गाड़ी लेके चला गया सब लोग, जबरदस्ती किरान आया और किरान से मेरा गाड़ी उठा के लेके चले गए। मैं गया सर के पास, सर बोला कि सर आपका वीडियो है, आपने मुझे मारा, ये तो गलत किया आपने। मैं बैठ गया रोड पे कि मुझे मारा क्यों गया है। जबरदस्ती कोतवाली थाना आती है, मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ, एक लेडीज़ इंस्पेक्टर है, उनका भी चेहरा दिखाया जाए थोड़ा सा कि मतलब वो कैसी रूड है कि वो मुझे बोल रही है कि मैं तुम्हारा बात सुन रही हूँ, और वो इशारा भी दे रही है कि चारों तरफ से इसको धक्का मार के अंदर इसको इनोवा में डालो, और इनोवा में डिक्की में डालो, और डिक्की में डालते वक्त ना मुझे ऐसे उठाया गया जैसे मैं क्रिमिनल हूँ, फेंक दिया गया मुझे एकदम, जैसे लगा मैं कचरे का मतलब इस टाइप से हूँ कि मुझे फेंक दिया गया अंदर डिक्की में। मेरे को पेट में, पीठ में, सब जगह चोट है। उसके बाद सर बूट से मुझे 20 बूट कम से कम मारा होगा उन्होंने, कोतवाली थाना लेके आए। सर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने पुलिस वालों का आरोप है, जो पुलिस वाले ने मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाया था, कि उनका आरोप है कि मैंने उनके ऊपर पहले हाथ उठाया, मैंने वर्दी के ऊपर हाथ डाला, तो ठीक है सर, अगर ये प्रूफ हो जाता तो आप लोगों ने उस रात मुझे क्यों छोड़ दिया, कोतवाली थाना में मेरा केस बनता था। और सुन लीजिए, पटना ट्रैफिक पुलिस का करतूत सुन लीजिए, मतलब मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। एक लेडी पुलिस थी जो ट्रैफिक में ही है, वाइट वर्दी में है, मैं उनका भी फ़ोटो डालूंगा कि मैडम आप मुझे अगर देख पा रही हैं, थोड़ा सा अगर अंदर दिल में हो, आपने थाने में आके बोला कि मैं केस बना रही हूँ और मैं एलिगेशन डाल रही हूँ कि ये मेरे सीने पे हाथ डाला, मेरा कॉलर पकड़ा है, लेडीज़ पुलिस का मैं कॉलर पकड़ लूँगा, और उसके बाद मुझे क्यों छोड़ दिया गया जब पूरा केस फाइल टाइप हो गया, मतलब आप लोगों ने लिख लिया जितना आप लोगों का ताकत था, जितना आप लोगों ने पढ़ा लिखा था, सरस्वती माँ जितना आपके ऊपर सवार थी, वो सारा कागज़ में लिख लिया, और शाम को मुझे सॉरी बोल के क्यों छोड़ दिया गया, जिन्होंने मुझे मारा वो सॉरी बोल के क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनकी गलती थी। दोस्तों कल रात तक सब कुछ सही था, मैंने भी मान लिया कि उनसे गलती हुई, उन्होंने सॉरी बोल दिया, मेरा चालान हुआ, मैंने एसपी ऑफिस से चालान कराया, सब कुछ हो गया। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूँ ना, आप लोग मतलब मेरा रोज़गार कैसे ख़त्म हुआ है ये मैं बताता हूँ। पटना ट्रैफिक पुलिस ने मेरे से चाबी छीना था, और रात भर मेरी बाइक यातायात थाना पटना में लगी रही, जो गांधी मैदान के पास है, रात भर इन लोगों ने बाइक के साथ क्या किया है क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। बाइक मैं वहाँ से लेके निकला हूँ, बोरिंग रोड पहुँचा हूँ, तभी बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गई, मैं वहाँ से अपने दोस्त को छोड़ने इसी पुल के रास्ते आगे गया हूँ, सोनपुर में पहुँचा हूँ, मेरी बाइक लॉक मतलब पूरा ब्रेकडाउन हो गई। सर क्या किया है आप लोगों ने मेरे बाइक के साथ, मेरा 5 लाख रुपये का बाइक ख़त्म कर दिया, अब मेरा बाइक कौन बनवाएगा पहले ये बात बताइए, मेरा उससे रोज़गार चलता है, मुझे इतना मारा, मेरे बाइक को ख़त्म कर दिया। मैं अपने जान से ज़्यादा बाइक को प्यार करता हूँ, मेरा हेलमेट देख लीजिए सर, अगर मेरा हेलमेट, ये मैं हेलमेट पहनता हूँ, देखिए सर ये सुंदर सा हेलमेट पहनता हूँ ताकि और लोग देखें और इस पर इंस्पायर हों कि अच्छा इतना अच्छा हेलमेट भी लग सकता है। इसका कीमत कैमरा लगा के अराउंड 60,000 रुपीज़ है, 60,000 रुपये का हेलमेट मैं लगा रहा हूँ, अंदर सब कुछ है इसमें, ब्लूटूथ माइक कैमरा सब कुछ है। सर बाइक और हेलमेट और कैमरा यही मेरा ज़िंदगी था, बाइक ख़राब हो गया अब उसको दिल्ली भेजना पड़ेगा, मैं तत्काल बोलता हूँ इसकी जांच हो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए, और अगर वो गलत है तो प्लीज़ पटना पुलिस, भरोसा उठ जाएगा यूथ का मेरे ऊपर से, मेरा चैनल ख़त्म हो चुका है, मतलब मेरे चैनल पे लोग गालियाँ दे रहे हैं मुझे कि भाई इतना बड़ा राइडर हो के इतना बड़ा इंस्पायर करता है तू मेरे को, आइडल है हम लोग, और तू भाग रहा था पटना पुलिस से, तेरे पास क्या था ये बता, तू भाग रहा था, मैं किन किन किस किस चीज़, मैं किस किस को समझाऊँ सर कि मैं गलती नहीं है मेरा, मेरे गलती के वजह से मुझे चलान ज़रूर हो सकता था लेकिन मुझे मारा पीटा गया है, और मेरी बाइक उस पार पुल के उस पार लगी हुई अभी भी, मैं आप लोगों को सबको दिखाऊंगा बाइक अपना, सबको दिखाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा है, मीटर ऑन कर रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या तार कट किया क्या किया, BMW से बात किया तो बोला कि तार कट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या किया है मेरे बाइक के साथ, बाइक देखा होगा यूनिक है बाइक, रात में स्टार्ट करके पूरा एक्सलेट किया होगा उन लोगों ने, कॉइल जल गया क्या हुआ, पूरा मीटर में लाइन नहीं आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग, और पटना के ट्रैफिक SSP से मुझे
बहुत उम्मीद है सर, सर मैं और काम करूंगा बिहार के लिए, लेकिन मेरे मनोबल को डाउन मत होने दीजिए प्लीज़ सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर।